हेलो एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं डायरेक्टोरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन नोटिफिकेशन यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की तरफ से जारी किया हुआ है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं, यानी कि एम कॉम में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, डोगरी में एडमिशन लेना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स में यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं, इंग्लिश में एडमिशन लेना चाहते हैं, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी एंड उर्दू में आप यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं, जिसका यहाँ पर एकेडमिक सेशन रहने वाला है 2022 टू 2024। और यहाँ पर दिया गया है कि अगर आप 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी यहाँ पर करना चाहते हैं बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है दोस्तों, जिसका एकेडमिक सेशन रहने वाला है 2022 टू 2023, तो आप यहां पर एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं एडमिशन जो है आप 15/11 यानी 15 नवंबर 2022 से लेकर 15 दिसंबर 2022 तक आप यहां पर एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों। और एडमिशन लेने के लिए दोस्तों आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, जो कि है www.distanceeducationju.in, ठीक है। इस वाली वेबसाइट पर जाने के बाद आप यहां पर ऑनलाइन एडमिशन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम यहां पर फीस की बात कर लेते हैं। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम्स दिए गए हैं और आगे इनकी फ़ीस दी गई है। जैसे कि अगर आप कॉमर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ₹8,200 यहाँ पे फ़ीस रखी गई है। डोगरी में आप यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो ₹8,725 एडमिशन फ़ीस रखी गई है। इस तरीके से दोस्तों इकोनॉमिक्स की, इंग्लिश की, हिंदी की, पॉलिटिकल साइंस की यहाँ पर सेम फ़ीस रखी गई है, यानी कि ₹8,725 यहाँ पर फ़ीस रखी गई है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा अगर आप सोशोलॉजी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसकी फ़ीस रखी गई है ₹10,355। और अगर आप यहाँ पर उर्दू सब्जेक्ट में यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं दोस्तों तो यहाँ पर फ़ीस रखी गई है ₹8,725। इसके अलावा दोस्तों अगर आप यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट में आप यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए जो फ़ीस रखी गई है वो ₹8,245 यहाँ पर फ़ीस रखी गई है, ठीक है दोस्तों। अब हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल होने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी फ़ीस जो है वो ₹360 रखी गई है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है ₹880 रखी गई है, रिवाइवल फ़ीस यहाँ पर ₹1,380 रखी गई है, जहाँ पर एप्लीकेबल होगा वही फ़ीस आपको यहाँ पर, मतलब इसमें से जो आपको एप्लीकेबल होगी वही फ़ीस आपको यहाँ पर पे करनी है। और इसके अलावा इन्होंने कहा है कि जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर जम्मू यूनिवर्सिटी के अदर किसी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए हैं तो उनको भी ये जो फ़ीस यहाँ पर इन्होंने मेंशन की है दोस्तों, उनको ये जो फ़ीस है ये यहाँ पर पे करनी पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि जब आप एडमिशन लेंगे दोस्तों, एडमिशन के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि हार्ड कॉपी जो फॉर्म की होगी वो आपको अलॉन्ग विद द रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स, यानी कि हार्ड कॉपी जो आपकी होगी दोस्तों, हार्ड कॉपी ऑफ द फॉर्म यानी फॉर्म की जो हार्ड कॉपी होगी वो, और उसके साथ में दोस्तों कुछ रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स जैसे कि यहाँ पर कहा गया है इन्होंने, जैसे कि ओरिजिनल फीस रिसिप्ट हो गई, माइग्रेशन हो गई, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट हो गई। जैसे मान लीजिए आप किसी अदर इंस्टीट्यूट से या फिर अदर यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हैं और इस वाली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगती है, तो वही चीज़ इन्होंने कहा है कि हार्ड कॉपी जो फॉर्म की है उसके साथ में ये कुछ दिए गए डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने हैं, और अटैच करने के बाद दोस्तों बाय हैंड आपको ये पीजी सेक्शन जो यहाँ पर डायरेक्टोरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू का जो यहाँ पर पीजी सेक्शन है, वो पीजी सेक्शन में जाकर आपको बाय हैंड जो है ये जमा करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। और ये जो जमा करना है, ये जो हार्ड कॉपी आपको जमा करनी है, ये आपको कितने डेज में करनी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों द कैंडिडेट्स मस्ट सबमिट द हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द सेड डॉक्यूमेंट्स, यानी जो डॉक्यूमेंट्स इन्होंने कहा है
हार्ड कॉपी के साथ आपको ये डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करने हैं। और जब आप यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म जो सबमिट करोगे, ऑनलाइन फॉर्म को सबमिट करने के नेक्स्ट 5 डेज के अंदर अंदर आपको ये हार्ड कॉपी दोस्तों सबमिट करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही यहाँ पर नीचे लिखा गया है कि नो फॉर्म शल बी एंटरटेन्ड आफ्टर दिसंबर 20, 2022, यानी दिसंबर 20, 2022 के बाद कोई भी यहाँ पर फॉर्म जो है ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं होप करता हूँ कि दोस्तों आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू वेरी मच।